आप हमारे भी लल्ला का नामकरण कर दो ना। पुत्री ये क्या कह रही हो तुम? विनती कर रही हूँ और मेरी जे आग्रह अस्वीकार मत ही करो। आप दोनों भाइयों का नामकरण एक साथ हो जाएगा। कितने प्यारे और निर्दोष बालक हैं। दोनों को देखकर गुरुदेव की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये क्या कर रहे हैं ऋषिवर? संभालिए अपने आप को, नहीं तो मेरा रहस्य खुल जाएगा आज। अरे ऋषिवर, हाथ मत जोड़िए। इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए, अपनी नमस्कार मुद्रा को आशीर्वाद मुद्रा में बदल दीजिए। बात को समझिए, मैंने ये अवतार मैया और लल्ला के अद्भुत संबंध का अनुभव करने के लिए लिया है, पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संबंध ही बदल जाएगा। अब आप सब कुछ जान चुके हैं ऋषिवर, इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे सत्य को उजागर मत कीजिए। अपने शिष्य वसुदेव के पुत्र के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर आप मौन क्यों हैं? और आपकी आंखों में आंसू, सब कुछ ठीक है ना? अब तो आप हमारे लल्ला का नामकरण करोगे ना? इन दोनों का नामकरण करना मेरा सौभाग्य होगा पुत्री। परंतु ये गोपनीय रूप से करना होगा। अवश्य ही स्वामी का आग्रह होगा, ताकि कंस की बुरी दृष्टि हमारे पुत्र पर ना पड़े। ये तो बहुत महान ऋषि हैं, इन्हें कंस के अत्याचारों के बारे में अवश्य पता होगा। अपनी संतान का नामकरण संस्कार करना एक माँ के लिए उत्सव से कम नहीं होता है, पर यह छुपकर करना होगा। आप दोनों को स्वीकार तो है ना? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्वीकार है गुरुदेव। तो फिर कहाँ करना है हमें नामकरण का प्रबंध? गुरुदेव, मंदिर सही रहेगा? उससे पवित्र स्थान तो हो ही नहीं सकता है।
ऋषिवर आप तनिक विश्राम कीजिए, हम लोग प्रबंध करते। मैं कुछ समय इन बालकों के साथ व्यतीत करना चाहूंगा। ये तो इनका सौभाग्य होगा, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, स्वयं भगवान होकर भी आपको बंदी गृह में जन्म लेना पड़ा। अब अपनी मां को छोड़कर दूसरी मां के यहां पलना पड़ रहा है। जब से गोकुल आए हैं छुप छुप कर रहना पड़ रहा है। इतनी नन्ही सी अवस्था में दुष्ट कंस के कितने ही आक्रमणों का सामना कर चुके हैं आप, और जिस उत्सव में सभी सप्तऋषियों और सभी देवी देवताओं को साक्षी बनकर आना चाहिए, उस नामकरण उत्सव को यहां एकांत में करना पड़ रहा है। क्यों प्रभु, इतने कष्टों को सहकर ये अवतार क्यों लिया है आपने? दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए। पर इसके लिए इतने कष्ट? मानव जीवन लिया है तो कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे ऋषिवर। मानव जीवन की आंच जला रही है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, ये कैसा अनोखा अवतार है। आंच में जलकर भी यदि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो अपने भक्तों को क्या शिक्षा दूंगा मैं? आज एक कंस का प्रकोप है, भविष्य में सहस्रों कंस होंगे, और आने वाले युगों में होंगे अनगिनत कंस। उस समय मेरे भक्तों को पता होना चाहिए कि अपने कष्टों को कैसे सहना है और धर्म के पथ पर अडिग कैसे रहना है। आप धन्य हैं प्रभु। देखा अस्ति, जब सिंह दहाड़ता है तो वन के सभी जीव जंतु इकट्ठे हो ही जाते हैं, वो सब जो मेरा विश्वास पात्र होने का अधिकार और ये सिंहासन पाना चाहते हैं सामने आए। बुद्धि के बिना बल अपंग होता है महाराज, और मेरे पास बुद्धि और बल दोनों हैं। आप केवल आदेश दीजिए किसका संहार करना है। सारी तैयारी हो गई। बोलो। आप गुरुदेव को बुला लो, मैं रोनी जीजी और बालकों को ले आती हूँ। यशोदा, तुम रुष्ट तो ना हो ना मुझसे। मैं भला रुष्ट क्यों होने लगी? नहीं, तुम जो उत्सव बड़े धूमधाम से करना चाहती थी, और बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि हमारे लल्ला का नामकरण स्वयं ऋषि गर्ग पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। मैं समझ गई, उत्सव बड़ा हो या ना हो प्रसन्नता बड़ी होनी चाहिए। अरे मैं तो इतनी उत्साहित हूँ कि दोनों भाइयों का नामकरण आज के शुभ मुहूर्त पे हो रहा है। तो इससे पहले जो बीत जाए, जाओ आप ही बुला लो। यहाँ सब के सब एक से बढ़कर एक है, तो फिर अपने कार्य के लिए किसका चुनाव सबसे पहले करूं? मेरा सामर्थ्य तो आपने अभी तक देखा ही नहीं महाराज, चुटकी बजाकर शत्रुओं का विनाश कर सकता हूं मैं। वाह, किंतु आपने तो बताया ही नहीं कि करना क्या है। वध, वध करना है, एक नवजात बालक का वध।
उसे साधारण बालक मत समझना। गोकुल में नंद के घर पल रहा वो बालक विष्णु का अवतार है। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों छा गया? क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं नन्हे बालकों के साथ हिंसा नहीं करता। कृष्ण अवतार बड़ा छलिया है महाराज, मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता। जाने दो इन्हें, वैसे भी इस सिंहासन के लिए मुझे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं। जाने दो। दुर्जन, क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने के लिए व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि वो मृत्यु मृत्यु से टक्कर ले जाए। वही होगा इस सिंहासन का असली अधिकारी। महाराज, ना तो आपके दिए इस सम्मान का कोई मूल्य रह गया है और ना ही आपके भय का। अभी अभी आपने ही कहा था ना कि जब वन में कोई सिंह दहाड़ता है तो उस वन के सभी जीव जंतु एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, परंतु उसी वन में जब कोई बब्बर सिंह दहाड़ता है तो वही जीव जंतु भय के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। निश्चित ही वो बालक इन सब के लिए बब्बर सिंह बन चुका है। उसका भय हमारे साम्राज्य की नींव हिला रहा है महाराज। हे नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे माँ सरस्वती, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वोत्तम नामों का चुनाव कर पाऊं। आपके पुत्र को बड़े भाई के कर्तव्य का निर्वाह करना है और इस दायित्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निभाया है? जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाइयों के साथ था, मैं श्री नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने छोटे भाई के साथ हो। इसीलिए इसका नाम राम, राम इसीलिए इसका नाम राम, राम इसीलिए इसका नाम राम। बड़े भाई में आदर्श न्याय संकल्प बल के साथ साथ शारीरिक बल भी होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा, इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित्व के लिए सबसे उचित है वो है बलराम। बलराम, बलराम।
अल्लाह। तो फिर उसका नाम बल बल राम रखना। कैसा अद्भुत संयोग है ऋषिवर, जब इसके जन्म की सूचना देने में वसुदेव भैया के पास मथुरा गया था तब उन्होंने भी यही नाम रखा था, बलराम। ये संयोग नहीं नारायण की इच्छा है नंदराज, बलराम से अधिक उपयुक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर मैं तो दाऊ कहकर ही बुलाऊंगा इन्हें, बलदाऊ। सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम बलराम बलराम, बलराम, बलराम। गुरुदेव, कितना अद्भुत नाम दिया है आपने इसे। अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दो। ये कठिन दायित्व आपने ही मुझे सौंपा है प्रभु, इसे निभाने की क्षमता भी आप ही दीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। क क बना है कमलकान से, अर्थात वो जो श्रीपति विष्णु जैसा हो।
री, री की उत्पत्ति हुई है श्री राम से, अर्थात वो जो सबके हृदय में बस जाए। श, ऐश्वर्य के स्वामी विष्णु के लिए, अर्थात वो जो समृद्धि लेकर आए। और ना, ना है नरसिंह के लिए, अर्थात वो जो रक्षा करे और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अग्निदेव का, अर्थात वो जो स्वयं तप कर सबको पवित्र कर दे। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा, वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। असुरी कार्य करने वालों के लिए कृष्ण नाम का अर्थ एक और भी होगा, वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया। पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नाम का अर्थ होगा अतुलनीय सुंदरता और अथाह प्रेम। इन दोनों विशेषताओं का साक्षात स्वरूप होगा ये कृष्ण। जे नाम अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा, चाहिए तेरी मैया का आशीर्वाद। संसार मुझे कृष्ण बुलाए या नीलमणि कहकर पुकारे, मैं रहूंगा तो बस यशोमती मैया का नंदलाला। गुरुदेव, आपने मेरे लल्ला को इतना प्यारा नाम दियो है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गोपियों को पता चलेगो तो देखना कैसे रटने लगेंगी मेरे लल्ला का नाम। इससे पहले कि आप सब बाहर जाकर किसी और को बताएं, एक कर्मकांड शेष है। नामकरण के बाद पिता को आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ उपहार बालक को अवश्य देना चाहिए।
है क्या तू? वासुदेव मेरे शिष्य हैं और उनकी अनुपस्थिति में ये दायित्व मैं निभाऊंगा। इसे अपने पिता की ओर से स्वीकार करो पुत्र। कल्याण हो। क्या दूं मैं इसे? आप सोच क्या रहे हो? आशीर्वाद दो ना अपने कृष्ण को। अच्छा सोच रहा हूं कि लल्ला को क्या दूं। लल्ला तू स्वयं ही बता दे तुझे क्या चाहिए। देखो जी लल्ला ने ही आपकी उलझन समाप्त कर दी। मेरा आशीर्वाद कि तेरा जी नाम कृष्ण तेरी प्रजा के लिए बहुत हितकारी हो। गुरुवर आप भी इसे आशीर्वाद दे। जिनके आशीर्वाद से यह पूरा संसार संचालित होता है उन्हें मैं क्या आशीर्वाद दूं? आपने तो मुझे मेरा नाम दिया है ऋषिवर। ये तो मेरा सौभाग्य था प्रभु कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। पर आपका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ ऋषिवर। एक विनती और है मेरी। आज्ञा दीजिए प्रभु क्या करना होगा मुझे? बाबा को मेरी वास्तविक पहचान बतानी होगी आपको और इन्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि ये मैया को कभी भी मेरा सत्य पता ना चलने दे। पर प्रभु मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आप ही कर पाएंगे ऋषिवर क्योंकि अब आप इस कृष्ण अवतार के मुख्य उद्देश्य को जानते हैं। बंद करो ये दुनिया। कौन सी दुनिया? ये दुनिया बंद करो। बंद करो। क्या सुनाई दे रहा है आप? ये शाम तुम्हें चारों में गूंज रहा है। भारत भारत सोनी रुक जाइए। बस मुझे मारा। आप भूल रहे हैं कि आप मथुरा नरेश है। कंस है आप और किसी भी व्यक्ति वस्तु या घटना से महाराज कंस इतने व्यथित नहीं हो सकते कि वो सुदबुख खो बैठे। स्वयं को संभालिए महाराज। बंद हो गई। बंद हो गई। बंद हो गया वो स्वर। बंद हो गई वो ध्वनिया। यू मत सोचना कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा था। तुम सत्य कह रही हो। मैं कंस हूं। किसी भी व्यक्ति वस्तु या घटना से व्यथित नहीं हो सकता। दुर्जन जी महाराज इस सिंहासन को पुनः स्थापित करो।
यदि कोई भी योग्य है इसे स्वयं सिद्ध करने नहीं आता तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे उस दुष्ट बालक का संहार करना है। मैं भली भांति जानता हूं। ये दायित्व आपको ही निभाना होगा ऋषिवर। इससे दो लाभ होंगे, एक तो मेरे बाबा कंस के कारण होने वाली चिंता से मुक्त हो जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर मेरी पहचान को मैया से सुरक्षित रखने में सहायता भी करेंगे। नंदराज, अब बलराम और कृष्ण दोनों को भूख लग गई होगी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अब आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं नंदराज, मुझे शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। राजा वासुदेव और रानी देवकी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे आपको कुछ बताना है। गुरुदेव, आपके ललाट पर बल पड़ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आप मुझे कंस के बारे में तो ना बताना चाहते? गुरुदेव, मैं जानता हूं कि कंस नवजात शिशुओं की हत्या करवा रहा है। कंस नहीं, कृष्ण के बारे में कुछ कहना है मुझे। बताइए गुरुवर। मैं एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं नंदराज, जो है तो वरदान पर उसे स्वीकारना आपके लिए बहुत कठिन होगा। गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ ना पा रहा हूं, बताइए ना। बताइए ना गुरुवर। सत्य यह है नंदराज, कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। अशु विचित्र लग रहा है, कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। सिर्फ कैसे संभव है गुरुदेव? वो तो नंदा सा बालक। वो श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? और गुरुदेव, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो मेरा लल्ला वसुदेव भैया का पुत्र है? यही सत्य है नंदराज, पिछले जन्म में मिले वरदान का फल है ये। मैं
मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूं। इस समय मैं विवश हूं, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, प्रभु। श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। दो जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और दो जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। धरा! माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। ये जो भी हो रहा है प्रभु की ही लीला है। कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद भगवान विष्णु के आदेश पर वासुदेव जी के यहां आना पड़ा और आपकी और रानी यशोदा की पुत्री को अपने पुत्र के साथ बदलना पड़ा। और इस तरह कृष्ण आपके और रानी यशोदा के पुत्र बन गए। आपने सही कही थी गुरुदेव, कि सुनने में तो वरदान ही लग तो, पर इसे स्वीकार करना उतना ही कठिन। जब यशोदा को इस बात का पता चलेगो तो उसे कैसा लगेगा? अपने नाम का अर्थ अच्छे से सुनो है ना तूने? उसका हर एक अक्षर भगवान श्री नारायण से संबंधित है, जैसे उन्हीं का स्वरूप है तू। बस मैया, ये सत्य आपसे छुपा रहे इसी कारण बाबा के लिए ये जानना आवश्यक है। फिर चाहे इसे स्वीकार करना उनके लिए कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। नहीं नंद, ये सत्य उन्हें आप नहीं बताएंगे। स्वयं प्रभु ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं। गुरुवर, कंस के आक्रमणों की जानकारी यशोदा से पहले ही छुपाकर रखना कठिन था, अब इतना बड़ा सत्य मैं यशोदा से कैसे छुपाऊंगा? आपको छुपाना ही होगा नंदराज, यही प्रभु की इच्छा है। और क्यों गुरुवर? ताकि नारायण अपनी मैया की ममता का अनुभव कर पाए, यही तो उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य? हां नंदराज, नर नारायण के अवतार में अपनी तपस्या करते समय प्रभु ने जो अनुभव किया था उसके कारण ममता के सुख का अनुभव करने के लिए प्रभु व्याकुल हो उठे थे। ऐसा क्या हुआ था मुझे भी बताइए। हो सकता है ये बात इस सत्य को स्वीकार करने में मेरी सहायता करे। बहुत समय पहले की बात है, अनेक देवी देवता परम प्रभु विष्णु के पास बैकुंठ गए थे। वहां प्रभु की आंखों में आंसू देखकर वो सभी स्तब्ध रह गए। प्रभु, आपकी आंखों में आंसू?
चिंता मत कीजिए, आप सब तो जानते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मैंने नरसिंह अर्थात आधे मानव और आधे सिंह के रूप में अवतार लिया था। उस राक्षस का वध करने के बाद नर और सिंह दोनों भागों ने अलग अलग होकर नर और नारायण के रूप में पुनः जन्म लिया। वर्तमान में वो दोनों बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। आज उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे भी भावुक कर दिया। सखा, ये युवक कौन है? निकट के एक गांव के धनी व्यापारी का पुत्र है ये। प्रत्येक संध्या वन के उस पार ये अपनी प्रेयसी से मिलने जाता है और फिर रात्रि भर उस नर्तकी के साथ सहवास करने के बाद सुबह अपने निवास को लौट आता है। यदि यही इसका नित्य क्रम है तो फिर आज ये इतने तनाव में क्यों है? कल रात्रि प्रेम क्रिया के मध्य उस नर्तकी ने इससे पूछा, ये सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? जब इसने कहा तुमसे, तो वो बोली, तुम्हें अपने प्रेम को सिद्ध करना होगा, अपनी मां के हृदय को उसके तन से अलग कर मुझे सौंपना होगा। मां का हृदय? फिर क्या हुआ प्रभु, वो लाया अपनी मां का हृदय? ये जिज्ञासा यक्ष प्रश्न बनकर पूरे दिन नर और नारायण के मस्तिष्क में कौंधती रही। उन्होंने संध्या होने तक वहीं नदी किनारे प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, ताकि वो ये जान सके कि क्या वो युवक अपनी क्रूर प्रेयसी को छोड़ेगा या वासना में अंधा होकर अपनी ही माता की हत्या करने का जघन्य अपराध करेगा। अब उसके वन पार करने का समय बीत चुका है। युवक ने विवेक का परिचय दिया है सखा। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सखा, सखा मुझे बताओ, जो अकल्पनीय था कहीं वो घट तो नहीं गया? जब इस युवक की मां को इसकी प्रेयसी की क्रूर मांग के बारे में पता चला तो जो उसने किया वो इस समस्त संसार में केवल एक माँ ही कर सकती है। बस इतनी सी बात? संभाल के मेरे बेटे, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। संभाल के मेरे बेटे, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। संभाल के मेरे बेटे, चोट ना लग जाए तुझे। ये तो उसकी मां की पुकार है। मां, मैंने क्या कर दिया? मां, मां, Ah!
सत्य यह है नंदराज, कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। नंदराज अपने आप को संभालिए और शांत चित से घर लौटिए। और हां, स्मरण रखिए कि प्रभु ने आपको बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है, आपको उसे निभाना ही होगा। प्रभु आपको शक्ति दे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं नंदराज, जो प्रभु आपके घर पल रहे हैं उनके बारे में सोचिए, जिनके यहां प्रभु ने जन्म लिया है। वो दोनों तो प्रभु की बाल लीलाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। कहां रह गए तेरे बाबा लल्ला? जो आए क्यों ना अब तक? तेरा लल्ला मेरा ना है, वो तो मेरे आराध्य नारायण का अवतार, पर छह बात मुझे यशोदा से छुपानी। बाबा वहीं खड़े मत रहो, अब आ भी जाओ ना। एक पग भी आगे बढ़ाने का साहस ना हो रो मेरा। हे प्रभु, आप ही बताओ, अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को अपने लल्ला के रूप में कैसे देख पाऊंगा मैं? मैं जानता हूँ बाबा, ये बहुत कठिन है, पर भीतर तो आओ। अब आ भी जाओ बाबा, ऐसे बाहर कब तक खड़े रहोगे आप? बस बाबा, बस आ जाओ भीतर, आ जाओ, आओ ना, आओ ना। समझो? जब तू इधर उधर भाग रहे होगो, तो तुझे बुलाने के लिए मैं तुझे ऐसे पुकारूंगी, कृष्ण। और जब तू सैतानी करेगो ना लल्ला, मैया को तंग करेगो, तो मैं तुझे क्रोध में ऐसे बुलाऊंगी, कृष्ण। इसे सत्य पतो ना है, इसीलिए कितनी अच्छी तरह से मैया होने का कर्तव्य निभा रही है, पर मैं अब बाबा होने का कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा? सावधान, इतनी अच्छी लगी तुझे बाबा की दीजे माला कि मुंह में ले लियो तूने। जे मुंह में लेने की वस्तु ना है लल्ला। जैसे यशोदा आपको एक मैया की तरह सीख दे रही, मैं आपको बाबा की तरह शिक्षा कैसे दे पाऊंगा प्रभु? कृष्ण, अभी मना किया ना मैया ने? जे तो प्रभु को ही डांट रही है। सावधान, जो फिर से मुंह में लिया तो। यशोदा, तुम्हें पता भी है तुम किस पर क्रोधित हो रही? हाँ, अपने लल्ला पर, और किस पर?
मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें तुम्हें सच में पता भी है ये कौन है? स्वयं प्रभु ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं। यही कहना चाहते हो ना आप कि मैं गोकुल के राजकुमार को डांट रही हूँ? अरे पर मैया और बाबा का स्थान तो हर पद से ऊंचा होता है ना जी। माँ और बाबा को तो अधिकार होता है ना प्रेम करने का भी और भूल पर डांटने का भी। बस यही बात आपको समझनी है बाबा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं समझता हूँ जी, पर ये विचार के जे केवल हमारा पुत्र ना है, ये स्वयं नारायण का अवतार भी है, इसे अपने मन से निकाल ना पा रहा हूँ मैं। ओहो, आपको समझाना तो मैया को संभालने से भी अधिक कठिन है बाबा। लल्ला, अरे लल्ला, जशोदा जी, आपने हमें नामकरण के लिए ना बुलायो। कोई बात ना है, लेकिन ये तो बताओ कि लल्ला का नाम क्या रखो है? हाँ भाभी, बताओ ना। हाँ जी जी, अब और प्रतीक्षा ना हो रही हमसे। इसका नाम रखो है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण बहुत प्यारा नाम है, लेकिन थोड़ा कठिन है। मैं तो इसे किशन बुलाऊंगी। सही कहो, मैं भी इसे प्रेम से किशन ही कहूंगी। क्यों किशन? मेरे लिए तो जे किसना है। क्या कर रही हैं ये सब? बाबा, इन सब के लिए मैं केवल कृष्ण हूँ, भगवान नहीं। बस अब आप भी शीघ्र ही समझ जाओ ना ये। अरे तुम सब। हाँ हाँ, बुरा मुझे भी लग रहा है जो सारी की सारी पहले दिन मेरे लल्ला का नाम बिगाड़ रही हैं। किंतु इसमें भी इन सब का प्रेम ही छुपा है, और हम सब तो प्रेम से भगवान को भी प्यारा सा नाम दे देते हैं, है ना? हाँ। सत्य तो ये है कि कृष्ण नाम बहुत अच्छा है, किंतु मैं भी अपने लल्ला को प्रेम का नाम देना चाहती हूँ। कान्हा बुलाऊंगी इसे, कान्हा बुलाऊंगी इसे, कान्हा बुलाऊंगी इसे। कान्हा, अनोखी ध्वनि, सहज सा मीठा, मैं भी इसे कान्हा ही पुकारूंगी। आप भी बुलाओ ना इसे, आप एक बार बुला कर तो देखो, झट से पलट कर देखेगा आपको जी हमारा नटखट कान्हा। प्रभु, ये सब आपका सत्य ना जानती, पर मैं जानतो। अब इस मुख से आपका नाम केवल भक्ति भाव से ही निकल सकतो, वात्सल्य भाव से ना। जी की लल्ला का भी तो नामकरण हुआ था ना अपने लल्ला के साथ? हाँ भाभी, क्या नाम रखा गया है इसका? हाँ हाँ बताओ ना जी। हाँ भाभी बोलो ना। बोलो ना, बताओ ना जी। जी ना, देखो एक मैया से उसके लल्ला का नया नाम बताने का आनंद मैं ना छीन सकती। यदि तुम सबको कान्हा के दाऊ का नाम जानना है तो चलो सबके सब रोहिणी जी के पास। हाँ, सही कहो, सही कहो। मैं अभी आई। हाँ सुनो जी, आप लल्ला को संभालो, मैं अभी आई। मैं कैसे ये प्रभु लल्ला जी? क्या मैं कर रहे हो? क्या होगा वो आपको? मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी। यशोदा, मुझसे दूर कब तक रहोगे बाबा? एक बार
बार मेरी ओर देखो तो सही। मुझे दुविधा में डालकर आप मुस्कुरा रहे हो, ये कैसी परीक्षा है? ये क्या कर रहे हैं आप? पिता का स्थान पुत्र के चरणों में नहीं होता, पुत्र के सिर के ऊपर होता है उनका हाथ, उनका वरदहस्त। प्रभु, आप चाहते हो कि मैं आपका सत्य यशोदा को ना बताऊं। यशोदा चाहती है कि मैं आपको लल्ला की तरह अपने गोद में उठाकर आपसे बातें करूं। मेरी आंखें चाहती हैं कि मैं आपको अपने इष्ट देव, अपने आराध्य के स्वरूप में देखूं। और मेरा हृदय चाहता है कि मैं आपको अपने पुत्र के स्वरूप में देखूं। अब आप ही बताओ प्रभु, अब मैं इस परिस्थिति में क्या करूं? मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। आप ही का आसरा है प्रभु, आप ही को सहायता करनी होगी। आप ही बताइए कि किस प्रकार एक भक्त अपने भगवान को अपने लल्ला के स्वरूप में देखे, उसे अपने हाथों में उठाए, उसे खिलाए, उसके साथ बातें करे, कैसे वो उसका लालन पालन करे अपने पुत्र के स्वरूप में। प्रभु, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, सहायता करो प्रभु। चिंता मत कीजिए बाबा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही मिलेगा आपको। ऋषि गर्ग पधारे हैं महाराज। तो महान मथुराधीश कंस के दरबार में ऐसे सम्मान होता है ऋषि मुनियों का? नहीं नहीं ऋषिगण, ये तो केवल एक उदाहरण है कि कैसे एक विष्णु भक्त का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तब तो अच्छा ही है, मैं यहां तुमसे सम्मान की अभिलाषा लेकर नहीं आया हूं, मैं यहां देवकी और वसुदेव से भेंट की इच्छा लेकर आया हूं। क्यों, मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना चाहते हो? जो सदैव दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, उसका संपूर्ण जीवन इसी भ्रम में बीतता है कि सारा संसार उसके लिए षड्यंत्र कर रहा है। परंतु अन्य व्यक्तियों के पास इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं करने के लिए। यह महत्वपूर्ण कार्य करने की आपकी यह इच्छा इस दरबार में पूर्ण नहीं होगी ऋषिवर। मैं आपको उन दोनों से भेंट करने की आज्ञा नहीं दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? कैसे? बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, किंतु इसका उत्तर बड़ा ही सरल है ऋषिवर। जानते हैं
मेरे दिन का आरंभ कैसे होता है? किसी ना किसी का संहार करके, और यदि एक संहार और हो जाएगा तो मुझे क्या अंतर पड़ेगा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस, स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस। मेरा संहार करने के लिए, मेरा संहार करने के लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में, वो है तुम में। कर पाओगे मेरा संहार? जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता, जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में, वो कर पाओगे मेरा संहार? कर पाओगे मेरा संकल्प शक्ति की आवश्यकता, संकल्प शक्ति की आवश्यकता बोलो कंस। यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा, उसे सत्य होने से रोक पाएगा बोलो कंस। बोलो यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा, उसे सत्य होने से रोक पाएगा। ऋषिवर, यदि आपके हृदय में स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की इच्छा नहीं है तो महाराज भी आपको किसी से भेंट करने से रोकना नहीं चाहेंगे, है ना महाराज? हाँ, आप उन दोनों से भेंट कर सकते हैं। दुर्जन, इन सब पर दृष्टि रखो, अब सब कुछ सुनकर आना, सब कुछ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जाओ। लगता है प्राप्ति राजकार्य सीख रही है मुझसे। उचित समय पर सही सुझाव दिया तुमने प्राप्ति। अब आसानी से पता लग जाएगा कि ऋषि गर्ग के यहां आने का वास्तविक कारण क्या है। महाराज, स्वयं नारायण मेरे घर में है तो ये फूल उनके चरणों में क्यों चढ़ा रहा हूं? चित तैयार को मेरा लल्ला, किंतु बुरी दृष्टि वाला टीका लगाना तो भूल ही गई तेरी मैया। अभी आ, पता चल जाएगा। ये फूल तो आपके चरणों के लिए ही बने हैं प्रभु, इन्हें स्वीकार करें। बाबा, ये सत्य मैंने आपको अपना साथ देने के लिए बताया था, अपने आप को फंसाने के लिए थोड़े ना। नारायण नारायण। प्रणाम पंडित जी। नंदराज जी, रानी जी, बिटिया के पांव भारी थे ना, तो सेलिवाने समधियाने चला गया था, वहां कुछ अधिक ही समय लग गए। आज वापस आया तो पता चलो कि स्वयं गर्ग ऋषि ने लल्ला का नाम रखो है, सो मिलने चला है। क्या नाम मिलो है इसे? उन्होंने लल्ला का नाम कृष्ण रखो है, उन्होंने लल्ला का नाम कृष्ण रखो है। कृष्ण, आ हा, उत्तम,
अति उत्तम, बहुत मधुर नाम है। ऐसा लगतो है जैसे आप स्वयं श्री नारायण का नाम ले रहे हैं। स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंडित जी, आपको तो बाबा के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार मेरी ओर देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुलझाना है। पंडित जी मेरे लल्ला को टकटकी बांध के देखे क्यों जा रहे हैं? मुझे तो लगता है पंडित जी कि कितने भाग्यवान थे महाराज जनक और महारानी सुनैना। उन्होंने माता सीता को जन्म ना दियो और महारानी केकई जिन्होंने प्रभु राम को जन्म ना दियो, फिर भी उनके पालन पोषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें। कल्पना करो पंडित जी, कितने पुण्य अर्जित किए होंगे उन्होंने पिछले जन्म में, कितनी तपस्या की होगी कि जिनकी गोद में सारा संसार है वो श्री नारायण और माता लक्ष्मी उनकी गोद में खेले। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज, इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। तो आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिला ही दिए। मैं भी क्या क्या बातें करने लगा, लगता है नाना बनने की प्रसन्नता का प्रभाव है जी। हमारी बिटिया को लक्ष्मी हुई है ना? बधाई हो पंडित जी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं मैया और उसकी बिटिया से अवश्य मिलने आऊंगी। बधाई हो पंडित जी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, वैद्य जी से कुछ औषधियां लेनी है मुझे। नारायण नारायण। आ चल लल्ला। सुनो जी, तनिक कान्हा को संभालो, मैं यूं गई और यूं आई। क्या हुआ? मैं देख रही हूं नामकरण के बाद से एक बार भी आपने कान्हा को गोद में ना लिया है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक, अब सब ठीक। लो मेरो लल्ला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। यादवों का कुलगुरु होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था पुत्री। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, उस समय के लिए मैं अपने कर्तव्य से भटक गया था। सब कुछ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ है। जो नाम मैंने दिया है
मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपको इतनी दुविधा में डाल दिया। और इस तरह नंद को सब कुछ पता चल गया। आप दोनों चिंता मत करिए, सब ठीक है। अब मैं आपके 6 पुत्रों का श्राद्ध कर्म करूंगा। क्या हुआ जो मैं तेरा वास्तविक बाबा ना हूं? क्या अंतर पड़ तू कि तुम मेरे आराध्य के अवतार? महत्वपूर्ण बात तुझे है कि मुझे तुम्हारे साथ मुस्कुराने को, तुम्हें खिलाने को, तुम्हारा ध्यान रखने को, तुमसे प्रेम करने को सौभाग्य प्राप्त हो। बाबा, सत्य जानने के बाद अब आपको केवल प्रेम ही नहीं करना है, मुझे डांटना भी है। जब मुझसे कोई भूल हो जाए या मैं कोई शरारत करूं। तुमने मुझसे कुछ कही का ना? पर ये सब जानने के बाद तुम्हें कैसे डांट सकता हूं? बताओ ना कि कैसे मैं तुम्हें ये कहूं? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो बाबा। शीघ्र ही जीवन की माया आपको अपने प्रभाव में ले लेगी और आप ये सब भूल जाओगे। पर जब जब मेरी दिव्यता की झलक संसार को मिलने वाली होगी और मेरा सत्य मैया को पता चलने वाला होगा, तब तब आपको इसका स्मरण हो जाएगा। इसका अर्थ है कि गुरुवर ने सही कहा था। श्री हरि की आंखों में भी आंसू आ गए थे, ममता के लिए तरसने लगे थे वो। इसीलिए उनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है माँ की ममता का अनुभव करना। सत्य है कि इस अवतार का मुख्य उद्देश्य माँ की ममता का अनुभव करना। वो तो है बाबा, पर उसके साथ साथ आपका प्रेम पाना भी है। जानते हो, किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? अब तो मेरा कान्हा बैठना सीख गया। अब आगे से मैया कार्य करेगी तो कान्हा मैया के निकट ही बैठेगा। कितनी अच्छी तरह से बैठने लगो मेरा कान्हा। तेरे बाबा कुछ अधिक ही व्यस्त हैं आज। और अब आप भी व्यस्त हो गई तो मेरे साथ खेलेगा कौन? लल्ला, कान्हा। लो भाभी, खिले हुए फूल भी ले आई हूँ और शीघ्र ही जाके तरकारियाँ भी ले आऊंगी।
बहुत जानकी आ गई, अब यही खेलेगी मेरे साथ। अरे जे क्या फिर से पाल निकाल रहे हो? बस बस कान्हा, अब खेल में मत लगा मुझे, बहुत सारे कार्य पड़े हैं करने को। ये भी कार्य करने चली गई, अब मैं क्या करूं? सब व्यस्त है, मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं है। लगता है इनका ध्यान बटाने के लिए अब मुझे कुछ करना ही होगा। नंद जी, जानकी देखो मेरा लल्ला पहली बार घुटने के बल पे चल रहा है। बहुत बढ़िया काना, बहुत बढ़िया, बस यही तो चाहिए था। आजा काना, आजा इधर आ, मैया के पास आ। काना आजा अपने बाबा के पास, आजा। मैंने कहा था ना बाबा, शीघ्र ही आपको सांसारिक माया जकड़ लेगी और आप सब भूल जाओगे। देखा मेरे लल्ला को, अभी अभी तो उसने चलना सीखो है, पर अभी से इतना प्रवीण हो गए हो। आपका लल्ला, मेरा लल्ला मुझ पे गया है जी, इसीलिए तो इतनी शीघ्र इतना प्रवीण होगा, है ना लल्ला? आज लल्ला आज अपने बाबा के पास आजा। भ्रमित कर दियो आपने इसे, कितने चाव से अपनी मैया की ओर आ रहा था, आजा लल्ला। मैंने क्या करूं, मैं भी तो इसे बुला ही रहा हूं, आजा आजा। अब आप दोनों झगड़ने मत लगना। लल्ला जिससे अधिक प्रेम करते है ना, उसी के पास जाएगा, देख लियो। यशोदा ये तुम कैसे प्रतियोगिता लगा रही हो? क्यों, आपको विश्वास ना है कि लल्ला आपसे भी उतना ही प्रेम करता है और आपके पास भी आ सकता है? हुँ? या फिर हारने का भय सता रहा है आपको? बिल्कुल ना, काना आएगा तो अपने बाबा के पास, आ जा। जे हुई ना बात, अब देखते हैं कौन जीतेगा। आजा काना, अपनी प्यारी मैया के पास आजा। बाबा की उंगली पकड़ी थी ना तूने, तूने साथ देने का वचन दिया था, आजा अपने बाबा के पास। अरे ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो आप दोनों मुझे? कान्हा अपने मैया के पास आएगो, है ना? आजा। नहीं कान्हा अपने बाबा के पास आएगो, आजा। लगता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। तुझे बड़ा पता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। कान्हा मुझे छोड़ के कहीं और जा ही ना सकता, और तू, वो तो तरकारी लेने जा रही थी ना, जा। हाँ हाँ बस जा ही रही हूँ। लल्ला देख, मेरे पास आएगो तो माखन मिलेगो, बहुत अच्छा माखन मिलेगो, आजा। कान्हा मेरे पास आएगो ना तो बहुत अधिक माखन मिलेगो, आजा आजा आजा। कान्हा आजा। जी जानकी के पीछे जा रहा है, कहीं से जानकी से अधिक प्रेम तो ना होगा? ना ना ना,
चूरे लल्ला, जे करेगा तू मेरे साथ? सुधा, ये सब परिहास की बात, सबका कोई विशेष अर्थ ना है। कहीं ऐसा तो ना है क्योंकि मैं आजकल इस पर अधिक ध्यान ना दे पा रही, तू इसे जानकी से लगा होगा? है? क्योंकि सारा दिन तो मैं कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हूँ। सुनो जी, इसे भ्रम तो ना होगा कि इसकी मैया है कौन? यशोदा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम कुछ अधिक ही सोच रही हो। वही तो, किसी संतान को अपनी मैया के बारे में भ्रम हो ही नहीं सकता। ना, जे आपके पीछे भी चला जाता ना तो ठीक था, किंतु जे तो जानकी के पीछे चला गयो। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ बोलो ना, जे संभव है क्या? लो, तुम्हारी इस प्रतियोगिता के चक्कर में मैं तो भूल ही गयो कि उपनंद भैया को लेन देन बतानो है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। अरे किंतु मैंने जो पूछा हो तो बताया ही ना आपने। एक बार तुम ही ने कही थी कि मैया अपने लल्ला के मन की बात उसके बिना कहीं जान लेती, तो पूछ लो अपने काना से। ना लल्ला, कुछ और ना। बाबा से प्रेम है, जानकी से प्रेम है, बस अपनी मैया से ना है ना। अरे मैया, ऐसी बात थोड़ी ना है। 9 माह तक पेट में कौन पालती है? मैया। दूध कौन पिलाती है? मैया। देखभाल कौन करती है? मैया। बस उसी मैया से प्रेम ना है, से सभी से प्रेम है तुझे। तो ठीक है फिर, अब बात भी उन्हीं से करियो। मैया तो क्रोधित हो गई, मनाना पड़ेगा। ना, दोष मेरा ही है, मुझे किसी से कछु अपेक्षा ही ना करनी चाहिए। अब स्वयं को प्रेम चाहिए तो चापलूसी कर रहे हो? छोड़। ना, अब बिल्कुल ना आऊंगी तेरे झांसे में। तू और तेरे बाबा दोनों एक समान है, पहले क्रोधित करेंगे फिर मनाने चले आएंगे। जब मैंने तुझे बुलाया था तो जानकी और बाबा की ओर चला गया, अब क्यों आ रहा है मेरे पास? जा, उन्हीं के पास जा। देख लल्ला, अब अपनी जो प्यारी सी मुस्कुराहट दिखा के ना मुझे मनाने का प्रयास मत ही कर। मैंने कान्हा कहाँ गया? कहाँ गया कान्हा? कान्हा कहाँ थे अब तक? पहले ही क्यों नहीं बताया कि ऋषि गर्ग की क्या योजना है? बता, क्या देखा क्या सुना? महाराज, मैंने पूर्ण प्रयास किया किंतु मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। दबाव बढ़ा। अब ये सुना या
ये भी सुनाई नहीं दिया। महाराज मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने सुनने की बहुत चेष्टा की किंतु मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया महाराज, मेरा विश्वास करें। ये अर्थनाद सुनाई दिया या ये भी नहीं? महाराज मुझे क्षमा करें महाराज। उत्तर दो, अब सुनाई दिया? तो फिर वहां क्यों नहीं सुनाई दिया? मुझे क्षमा करें महाराज, आरंभ से अंत तक मैं वही था किंतु मैं कुछ भी नहीं सुन पाया महाराज, क्योंकि कारण नहीं परिणाम चाहिए मुझे। परिणाम। लल्ला लल्ला कहां छुप गए तू? कान्हा कान्हा सामने आजा मेरे लल्ला, कहां है? कान्हा सामने आजा लल्ला, अब मैया कभी ना रूठेगी तुझसे। कान्हा कान्हा लल्ला 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 देख सामने आ जा, नहीं तो तेरी पैया मर जाएगी। लल्ला कान्हा कान्हा न जाने कहाँ चला गया है, अभी तो यही था, न जाने कहाँ चला गया है। तू उसकी पायल है, कहीं बाहर तो ना चला गया कोई मेरे लल्ला को? यशोदा कोई ना लेगो होगा लल्ला को, और वो स्वयं भी कहीं ना जाएगा, यहीं कहीं होगो। आप इतने शांत कैसे हो? आपको कुछ पता है क्या? ये क्या है, एक पायल अभी भी उसके पैर में है। और है तो अपनी मैया का ही लल्ला, एक जगह टिकेगा ना, इसीलिए कह रहा हूं कि मैं पर... बाबा माखन तो चख पाता मैं। ये क्या क्या कर रहे है तू? आज ही घुटने के बल चलना सीखो है और आज ही अपनी मैया को दौड़ा दियो तूने। ये जो छोटी छोटी पैया है ना, इनमें पायल ना बेड़ियां पहनाऊंगी मैं। कही थी ना मैंने तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो, और इतना घबरा गई कि घबरा के आकाश सर पे उठा लियो। मैंने आकाश सर पे उठा लियो और वो भी व्यर्थ में? मेरे कहने का अर्थ जे ना है यशोदा, व्यर्थ ना, मैं तो केवल जे है कि कान्हा जानकी के पीछे ना जा रहा था। जब आप भी बाहर जा रहे थे तो जे आपका पीछा ना कर रहा था। इसे तो बस बाहर जानो है। क्या चल रहा है? हाँ चल चल अंदर चल, बाहर जानो है। अभी अभी घुटने के बल चलना सीखो है और अभी से बाहर जाना है, असंभव। क्यों क्यों का क्या मतलब?
इतने छोटे से बालक को कोई बाहर ले जाता है क्या? हाँ यशोदा, यदि ये बाहर ना जाएगो तो संसार के बारे में समझेगो कैसे? सुनो, इसका निष्क्रमण संस्कार भी आज ही करा देते, सीधा इसे मंदिर लेकर जाते। ना ना, इतनी शीघ्रता की कोई आवश्यकता ना है। जे देखो, देखो बाहर कितनी धूप है। धूप कहाँ है सुधा, बादल है बाहर तो। हाँ तो वर्षा हो गई तो मेरा काना भीग जाएगा, उसका स्वास बिगड़ जाएगा ना। बहाने क्यों बना रही हो यशोदा? तुम भी जानती हो कि ये वर्षा वाले बादल ना है, पर कब तक इसे भीतर रखोगी? तुम भी इसके साथ वही कर रही हो जो रोहिणी भाभी ने इसके बलदाओं के साथ किया। मैया मान जाओ ना। और उस दिन तो तुम रोहिणी भाभी को इतना अच्छे से समझा रही थी, आज तुम्हें क्या होगो? अभी तो इसने घुटने के बल चलना सीखो है यशोदा। अभी इसे बाहर ना लेकर गए ना, तो जब ये पांव पर खड़ा होना सीखेगो ना, तो अकेले ही बाहर भाग जाएगो। नाना, मेरा काना अकेले कहीं ना जाएगो। यशोदा, तो फिर अभी इसे ले जाने दो और गोकुल घुमाने दो। देखा लल्ला, आज्ञा मिल गई। अब आज पहली बार लल्ला और बाबा बाहर जाएंगे घूमने के लिए। चल, आज बाबा और लल्ला पहली बार बाहर जाएंगे। हाँ चल। रुको, आपको क्या लगा था कि मैं लल्ला को अकेले छोड़ दूंगी? जहां जहां कान्हा जाएगा वहां वहां उसकी मैया भी जाएगी। कभी तो नंद और नंद लाला को एक साथ समय बिताने दिया करो। कुछ कही आपने? नहीं। तो बस फिर गौशाला से आरंभ करेंगे, फिर गांव घुमा के मंदिर ले जाएंगे इसे। मैं एक्शन में आई। देखा, अभी तो तेरी मैया मंदिर भी जाने को तैयार ना थी, पर अब तुझे पूरा गांव घुमाने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले कि इनके मस्तिष्क में कोई नया विचार आ जाए, यहाँ से चले चलो बाबा, शीघ्र चलो। दया कीजिए, दया निदान, क्षमा कर दीजिए। कितनी बार तुझे गर्ग ऋषि के आश्रम भेजा, तू वहाँ कुछ नहीं सुन पाया। गर्ग ऋषि यहाँ आया, तू यहाँ कुछ नहीं सुन पाया। जब तू कोई कार्य करने योग्य ही नहीं तो फिर तेरा क्या? स्मरण करें महाराज, स्मरण करें कि आपको भी एक नाम बार बार सुनाई देता था। आप अपने कानों पे हाथ रख के यहाँ वहाँ घूम रहे थे, छटपटा रहे थे, किंतु हम में से किसी को भी उसका स्वर नहीं सुनाई दे रहा था। महाराज स्मरण कीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण, जैसे उस बालक के जन्म के समय आपके कानों में ध्वनियां गूंज रही थी। लेकिन हमें वो नहीं सुनाई दिया। ठीक उसी तरह महाराज, उस समय मेरे कानों में भी एक शंखनाद गूंज रहा था, पर उसकी ध्वनि ने मुझे कुछ भी नहीं सुनने दिया। महाराज, मुझे लगता है कि ये सब उसी विष्णु की कोई माया है, या फिर श्राद्ध के नाम पर ये सब मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। महाराज, इस निर्दोष को मारने से क्या होगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन दोनों को महल से बाहर मत जाने दीजिए। सही कह रही हो तुम, इसको मार के क्या होगा? कान्हा, जे देख, जे है रामू तेरा भैया, और जे है सबला तेरी मौसी। ओ।
जी, कान्हा को देख के सबला की भी ममता उमड़ आई। सुनो, पूरा गांव घुमानो है, उसके पहले ही मेरे कान्हा की बुरी दृष्टि उतार लेते हैं। नहीं आज हे गौ माता, आज तुम्हारा भतीजा पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, इसे सबके बुरी दृष्टि से बचाइयो। नारायण नारायण। देखा प्रभु, लोग आपके चपलासुर का कितना सम्मान करते हैं। पर आपके दरबार में मुझे आपका चापलूस कह के ही पुकारते हैं प्रभु कंस। पर अब ये सब बदल जाएगा, अब लोग मुझे प्रभु कंस का चापलूस नहीं, विशेष विश्वास पात्र कहकर बुलाएंगे। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा, मेरे दाहिने हाथ की तरह। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं, ये देखने कि प्रभु कंस का कार्य करने के लिए सब लोग इतना हिचक क्यों रहे हैं। ऐसा क्या है उस बालक में? नारायण, लल्ला जी देख, जी है तेरी प्रभावती मौसी का घर। और वो देख, वो रहा तेरे दाऊ का घर। देख क्या रोए, तेरे दाऊ भी चल रहे हैं हमारे साथ। ये वही है क्या जो चपलासुर से विशेष विश्वास पात्र श्री चपलासुर जी बनने तक की यात्रा में मेरी सहायता करेगा? ताऊ, ताऊ देखो कान्हा आयो है। कान्हा, घर से बाहर आकर तो और भी निखर गए हो गोकुल का राजकुमार। हाँ, अपना पहला गांव दर्शन में बड़ा आनंद ले रहा हूँ लल्ला। सच्ची कही भोला भाई, आज कछु अधिक ही प्यारा लग रही है जे। जी क्या भीड़ लगा रखी है तुम सबने? हाँ जी, मेरा लल्ला है, कोई दिखावट की वस्तु थोड़े ना है। सब फेर के खड़े हो गए। यशोदा जी देखो, रोहिणी जीजी भी आ गई। चलो सब सीधे मंदिर चलते हैं। हाँ चल। ताऊ, बड़े होने के नाते आपको मुझे घुमाना चाहिए, पर ध्यान रखना, आज आपको मैं ले जा रहा हूँ मंदिर। ये कैसे संभव है? ये अवश्य वायु के वेग से ही बच रही होंगी। प्रणाम। आशीर्वाद। आयुष्मान भव। अरे जसोदा जी, कान्हा को पहली बार मंदिर लेके आई हो ना?
बहुत ही अच्छे समय पे आई हो। देसी घी का हलवा बनाया मैंने प्रसाद में। इतनी अच्छी सुगंध, हलवा तो स्वादिष्ट लग रहा है। चलो कुछ तो अच्छा किया सुलक्षणा चाची ने। मेरे लिए इतना बड़ा भाग, पता नहीं था कि इनका हृदय इतना बड़ा है। सबको प्रसाद दे दियो, अब स्वयं भी तो खाना चाहिए। अरे चाची, पहले मुझे तो खिला देती। अरे मैं तो कान्हा को देना भूल ही गई। चलो विलंब से ही सही, मेरा स्मरण तो हुआ आपको। आहा, अभी नहीं खाना, तनिक बड़ा हो जाना फिर खाना जितनी इच्छा हो। हाँ हाँ, हंस लो चाची, आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे बाबा अवश्य देंगे, देख लेना। बाबा, मुझे क्यों नहीं खिलाया आपने? दाऊ, मैं आपको घुमाने लाया, कम से कम आपको तो अपने छोटे भाई का स्मरण रखना चाहिए। मेरी मैया मुझे अवश्य खिलाएंगी। देखो जी, इसका भी मन कर रहा है खाने का। मैया है ना, तेरी मैया ने अपने कान्हा के लिए पहले से ही बचा लिया था। ठहरिए रानी जी। पहली बार कुछ खाने को मिल रहा था पंडित जी, रोक क्यों दिया? अभी बालक का अन्न प्राशन नहीं हुआ है। हाँ यशोदा, सदानंद जी सही कह रहे, दूध मुहे बालक को ठोस अन्न प्राशन के पश्चात ही खिलाना चाहिए। ना लल्ला, तू बस अन्न प्राशन तक रुक जा, उसके बाद तू जो कहेगो ना, तेरी मैया खिलाएगी तुझे। ये तो साधारण सा बालक है, बहुत ही सरलता से मैं उसे अपने मार्ग से हटा दूंगा। ये क्या था? मेरे दाऊ शेषनाग के अवतार हैं चपलासुर, इनके रहते तुम मुझे हानि पहुंचाने का विचार भी मन में लाओगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। दाऊ, अकेले अकेले प्रसाद खाकर ठीक नहीं किया आपने। पंडित जी, जी हमारा कान्हा घुटने के बल चलने लगो, तो क्यों ना इसका अन्न से परिचय करा दियो जाए। नंदराज जी, दो दिन में पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है, तभी कर लेते हैं अन्न प्राशन संस्कार। दो दिन की प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। जीत जी, मेरा तो मन किया आज ही कर दूं अपने कान्हा का अन्नप्राशन। यशोदा, मैं तुम्हारी हृदय की पीड़ा समझती हूँ, पर तुम्हें और तुम्हारे लल्ला को दो दिन और ठहरना है, ठीक है?
अरे 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 बस भर गया। लो जीजी प्रसाद नहीं मिला तो माखन तो है।